हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धीरेन पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज में ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट्स। इसका हमारा टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं किसी भी इटरेशन को स्टॉप करने के लिए, जैसा कि हमने यूज़ किया था स्विच स्टेटमेंट में। स्विच में हम लोग एक केस एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं ब्रेक। उससे क्या होता था कि वो केस के स्टेटमेंट्स जितने भी होते थे वो एग्जीक्यूट होते थे, और उसके बाद वो इटरेशन जो है वो ब्रेक होके, मतलब ख़त्म होके लूप से बाहर आ जाता था। मीन्स वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता था। तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी इटरेशन को या फिर प्रोग्राम कंट्रोल को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, द ब्रेक इज अ की वर्ड इन सी विच इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। ब्रेक क्या है? एक ऐसा की वर्ड है जिसको हम लोग प्रोग्राम कंट्रोल से बाहर लाने के लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सके कि तब हम लोग, जब हम लोग को रोकना है, ठीक है, कोई ऐसा हम लोग को कंडीशन लगाना है वहाँ पे कि हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वहाँ पे रुक जाए, या फिर जो कंट्रोल है वो रुक जाए, या फिर जो इटरेशन हम लोग वहाँ पे यूज़ करें, लूप हो गया, स्विच केस हो गया, तो वो रुक जाए वहाँ पे। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड लूप्स और स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा लूप्स में यूज होगा या फिर स्विच स्टेटमेंट में ही यूज होगा। The break statement breaks the loop one by one. That is, in the case of the nested loop, it breaks the inner loop first and then proceed to the outer loops. ठीक है, अगर हम लोग break statement किसी भी nested loop में हम लोग use करते हैं, तो सबसे पहले वो inner loop को break करेगा। अगर बाहरी loop में भी हम लोग लगा के रखे हैं break statement, तो वो उस statement को भी execute करने के वाला बाद बाहरी लूप को भी वो स्टॉप कर देगा, रोक देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वो इनर लूप को ब्रेक करेगा, देन उसके बाद आउटर लूप को भी ब्रेक करेगा। ठीक है, या फिर आउटर लूप में हम लोग ने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है, तो आउटर लूप जो है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी कैन बी यूज इन द फॉलोइंग टू सिनेरियोस। ठीक है, फर्स्ट है विथ स्विच केस, सेकेंड है विथ लूप। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में कुछ नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ब्रेक लिखना होता है और सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, हम लोग कहीं पे भी उसको लिखें, लूप में या फिर स्विच केस में, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वहां पे ब्रेक लिखना होता है और साथ में सेमीकोलन लगाना होता है। इसका यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है छोटा सा, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ ब्रेक इन सी, हम लोग कोई भी कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन विद इन लूप। ठीक है, कंडीशन विद इन लूप मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसा कंडीशन हम लोग लगाएंगे कि अगर मान के चलिए कि हम लोग ने एक लूप चलाया है जो 1 से लेकर 10 तक चल रहा है। ठीक है, और हमने उसमें लगाते, जैसे ही लूप की वैल्यू 5 होगी, लूप खत्म हो जाना चाहिए। मतलब आई इक्वल टू 5, देन उसके बाद ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो वैसा हम लोग कंडीशन देंगे। ठीक है, लूप के अंदर हम लोग ने कंडीशन दिया, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ब्रेक हो जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो वापस से जैसा लूप चल रहा था वैसा चलते रहेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ब्रेक काम करता है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं 1 to 10, 1 to 10 नेचुरल नंबर्स हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी 0 से लेके 9 तक यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, void main, सबसे पहले हम लोग एक int i वेरिएबल ले लिए, जो कि हम लोग लूप के लिए स्टैंडर्ड वेरिएबल एक यूज करते हैं। हम लोग ने लिखा फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10। इसका मतलब क्या होगा, लूप स्टार्ट होगा 0 से, आई लेस देन 10 है, मतलब वो कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। मतलब 0 to 9 हम लोग का लूप चलने वाला है, और आई प्लस प्लस हम लोग ने लिखा है, मतलब वो सिंगल स्टेप चलेगा। आई प्लस वन मतलब +1 +1 करते जाएगा।
अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, प्रिंट एफ परसेंट डी और आई, आई की वैल्यू हम लोग इस लूप के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन दे दिए, इफ आई इक्वल टू फाइव, आई इक्वल टू फाइव, देन उसके बाद हम लोग लिख दिए ब्रेक। तो जैसे ही आई की वैल्यू फाइव हो जाएगी, ये लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब ब्रेक लिख दिया, मतलब इस लूप के इटरेशन से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके लास्ट में हम लोग यहाँ प्रिंट करें, केम आउटसाइड ऑफ लूप आई इक्वल टू परसेंट डी और आई, आई की वैल्यू लेटेस्ट जो रहेगी वो प्रिंट कर देगा, मींस आई की वैल्यू क्या रहेगी, फाइव रहेगी। तो आउटपुट में हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 5, केम आउटसाइड ऑफ लूप आई इक्वल टू फाइव। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म ब्रेक स्टेटमेंट, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म ब्रेक स्टेटमेंट। हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h void main, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं, और लास्ट में हम लोग गेट सी एच लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाना है int i, जो हम लोग लूप में यूज करने वाले। ठीक है, मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर, और लूप को हम लोग कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 0 से लेके 10 तक चलाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, सिंगल स्टेप हमारा लूप चलने वाला है, और कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके 10 तक चल रहा है, मींस लेस देन 10 हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो 0 to 9 तक चलेगा, 10 टाइम्स लूप चल रहा है इंक्लूडिंग 0। 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए। जैसी लूप की वैल्यू 10 हो जाएगी तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं आई की वैल्यू, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू परसेंट डी कॉमा आई, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देंगे, इफ कंडीशन हम लोग इफ स्टेटमेंट के थ्रू ही देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देंगे, कंडीशन में हम लोग लिखेंगे जैसे ही आई की वैल्यू फाइव होगी, आई इक्वल टू फाइव, तो हमारा लूप जो है वो रुक जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, हम लोग लिख देंगे उसके लिए ब्रेक। ठीक है, ठीक है, स्टॉप्स द इटरेशन। ठीक है, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक मैसेज को डिस्प्ले कर लेते हैं इस फॉर लूप के बाहर में, ये फॉर लूप का ब्रैकेट है, इसके बाहर में हम लोग यहाँ डिस्प्ले कर लेते हैं, प्रिंट एफ यहाँ परसेंट डी हम लोग लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं केम आउटसाइड ऑफ लूप आई इक्वल टू परसेंट डी कॉमा देके मैं यहाँ लिख दूंगा आई, आई की जो लेटेस्ट वैल्यू रहेगी, आई की वैल्यू लास्ट में 5 आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लूप है वो आई इक्वल टू 5 में ब्रेक हो रहा है, मतलब वहां पे खत्म हो जा रहा है।
तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, आई की वैल्यू 5 मिलनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रेक डॉट सी, मैं करता हूँ ऑल्ट प्लस एफ नाइन, ऑल्ट प्लस एफ नाइन से कंपाइल कर लिया, कंट्रोल प्लस एफ नाइन, एक एरर आया। क्या एरर आया, प्रिंट इन द मॉड्यूल, ओके प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लोग ने लिखना है। वापस से सेव किया, यस किया, कंट्रोल प्लस एफ नाइन किया, यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जैसे ही आया लूप ब्रेक हो गया और वहां प्रिंट किया केम आउटसाइड आउटसाइड ऑफ लूप आई इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है। यहाँ पे कंटिन्यू हमारे लिए एक नया स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग जैसा ब्रेक काम करता है उसका जस्ट ही अपोजिट काम करता है। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जो है वो लूप को या फिर किसी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को रोक देता है, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, एक स्टेप को स्किप कर देता है। अगर मान के चले हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम लोग 0 to 9 हम लोग प्रिंट करने वाले हैं और वहां पे हम लोग ने क्या किया, आई इक्वल टू 5 में हम लोग ने ब्रेक की जगह वहां कंटिन्यू लगा दिया, तो वहां पे लूप रुकेगा नहीं, लेकिन आई इक्वल टू 5 वाला जो इटरेशन है उसको स्किप कर देगा। मतलब 5 प्रिंट नहीं होगा, 4 के बाद डायरेक्ट 6 आ जाएगा। मतलब एक स्टेप जो है उसको स्किप कर देगा। स्किप करना मतलब छोड़ देगा, आगे बढ़ा देगा उसको, ठीक है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स सम लाइंस ऑफ कोड इन साइड द लूप एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट इटरेशन। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, जिस भी कंडीशन के साथ में कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा होगा, तो उस स्टेटमेंट को जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा कंटिन्यू, उस इटरेशन को वो स्किप कर देगा। उस इटरेशन को वो क्या करेगा, स्किप कर देगा और आगे बढ़ जाएगा, आगे वाले इटरेशन जो होंगे वो एग्जीक्यूट करने लगेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में भी यहाँ पे क्या है, हम लोग कंटिन्यू लिखे हैं और सेमी कॉलन लिखे हैं, ठीक है, कंटिन्यू लिखे उसके बाद सेमी कॉलन हम लोग लिखती है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। वॉइड मेन हम लोग लिखे हैं, इंट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वाइल लिखे हैं हम लोग, ठीक है, वाइल आई नॉट इक्वल टू 10, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, वाइल नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। नॉट इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा, ये लूप की वैल्यू तब तक ट्रू रहेगी जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होगी, ठीक है। आई नॉट इक्वल टू 10 यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि आई की वैल्यू अगर 10 हो गई तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होगी तब तक ट्रू रहेगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू है 0, आई नॉट इक्वल टू 10 हम लोग कंडीशन लगा दिया है। ये वाइल लूप के अंदर में यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग परसेंट डी और यहाँ आई, आई की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। आई की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चलेगी, 10 तक चलेगी, ठीक है, देखते हैं हम लोग कहाँ तक चलती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखे हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के लिए सबसे पहले लूप चलेगा, 0 प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन उसको ट्रू मिलेगा, 1 प्रिंट होगा, फिर कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू करके क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट वो स्किप करते जा,
ठीक है, मतलब जो हम लोग का स्टेटमेंट इस कंटिन्यू के बाद में लिखा होगा स्किप होता जाएगा, वो इफेक्ट तो देगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा वहां पे। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है, जैसा हम लोग ब्रेक में लिए थे हम लोग वैसा ही यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने लिया है इंट आई इक्वल टू वन, लूप को स्टार्ट करते हैं फॉर आई इक्वल टू वन से, और कहाँ तक हम लोग लेके जा रहे हैं, 10 तक लेके जा रहे हैं। आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम लोग ने एक कंडीशन लगाया, इफ आई इक्वल टू 5, इफ आई इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू। तो वो क्या करेगा, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी वो इस आई इक्वल टू 5 वाले इटरेशन को स्किप कर देगा। यहाँ पे देखो, इफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 5 इट विल कंटिन्यू द लूप। ठीक है, इट विल कंटिन्यू द लूप क्या होगा, मतलब आई इक्वल टू 5 वाला जो इटरेशन होगा उसको स्किप करके वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब आगे लूप कंटिन्यू करने लगेगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दिए। तो ब्रेक और कंटिन्यू में एक ही डिफरेंस होता है, ब्रेक जो है लूप को रोक देता है, स्किप जो है एक स्टेप को स्किप करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस पे। ठीक है, मैंने सेम प्रोग्राम को क्या किया, कॉपी किया, फाइल में गया, न्यू में गया, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच जाए। मैं इसको सेव करता हूँ, कंटिन्यू डॉट सी। अब मैं यहाँ पे सेम प्रोग्राम में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कंटिन्यू और यहाँ ब्रेक की जगह पे हम लोग कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है, हम लोग ने इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं, यहां पे देखते हैं हम लोग ने लूप कहां से कहां तक चला रहे हैं। आई इक्वल टू 0 टू लेस देन 10, मतलब 0 टू 9 चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, परसेंट डी आई, आई की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाए आई इक्वल टू 5, आई इक्वल टू 5, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी कंटिन्यू कर देगा, कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर देगा, मतलब आई इक्वल टू 5 वाला जो इटरेशन है जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इस लूप के अंदर में जो भी आई इक्वल टू 5 में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे वो स्किप कर देगा पूरा का पूरा, मतलब जितना यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ये इटरेशन को ही स्किप कर दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें रन करके दिखाता हूँ। इसको मैं कंपाइल किया और यहाँ पे रन किया, यहाँ पे देखते हैं। इस प्रिंटफ को हम लोग इफ के बाद में लिखते हैं, प्रिंटफ यहाँ पे लिखते हैं परसेंट डी और कॉमा देके आई। यहाँ पे देखिए 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, उसके बाद 6 आ गया, 7, 8, 9। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं ताकि हम लोग आउटपुट थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे।
ये देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो गई, वो इटरेशन ही स्किप हो गया और डायरेक्ट वो किस पे आ गया, 6 पे आ गया। ठीक है, 6 पे आया, 6 को एग्जीक्यूट किया, 7, 8, 9, उसके बाद लूप हमारा खत्म। ठीक है, अगर हम लोग को ये ऐसा कंडीशन चाहते हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम लोग नहीं चाहते कि पूरे के पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके उस इटरेशन को स्किप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट एक ऐसा जंपिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग एक लेबल क्रिएट करते हैं और उस लेबल पे अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को जंप कराते हैं। द गो टू स्टेटमेंट इज नोन एज जंप स्टेटमेंट इन सी। एज द नेम सजेस्ट, गो टू इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू ए प्री डिफाइंड लेबल। The go to statement can be used to repeat some part of the code for a particular condition. It can also be used to break the multiple loops which can't be done by using a single break statement. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग go to statement को use करते हैं अपने program के control को transfer करने के लिए। ठीक है, program के control को transfer करने के लिए। और यहाँ पे जब भी हम लोग को अगर कुछ ऐसा कंडीशन लगाना है जहाँ पे हम लोग बार बार ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहते, उस केस पे हम लोग यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग मल्टीपल टाइम्स ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोग गो टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में हम लोग ऐसा लेबल लगाते हैं। ठीक है, लेबल मीन्स यहाँ पे कोई भी लेबल हम लोग कोई भी नेम से हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऑफ द कोड रहता है, देन उसके बाद कोड टू लेबल होता है। ठीक है, लेबल हम लोग यहाँ पे डाल दिए और गो टू के बाद यहाँ पे लेबल लिखे, यहाँ पे जो लेबल लिखे रहेंगे वही लेबल यहाँ पे भी लिखना है हम लोग को। तो वो क्या करेगा, जैसे ये गो टू लेबल एग्जीक्यूट होगा, वापस इस लेबल के पास कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा और फिर से स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा, फिर से लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखे हैश इंक्लूड stdio डॉट h, फिर उसके बाद मेन फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल ले लिया है इंट नम आई इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा के एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक इनपुट ले लिया है नम में। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने टेबल नाम का लेबल लगाया है, ये है लेबल। उसके बाद हम लोग ने लिखा है प्रिंट एफ परसेंट डी इंटू परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन। नम जो भी हम लोग यहाँ एंटर करेंगे, आई यहाँ पे आई है, आई इक्वल टू 1, फिर उसके बाद नम इंटू आई मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, ये वैसा ही काम करेगा जैसा कि लूप काम करता है, वैसा ही काम करेगा जैसा हम लोग ने फॉर लूप या फिर वाइल लूप देखा था, सेम वैसे ही एग्जैक्टली काम करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर आई की वैल्यू जो है 10 से लेस होगी या फिर इक्वल टू होगी, देन गो टू टेबल। गो टू टेबल, जैसे ही ये गो टू टेबल एग्जीक्यूट होगा, वापस से कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, प्रिंट एफ में वापस से प्रिंट करेगा, आई प्लस प्लस करेगा, आई प्लस प्लस में क्या होगा, 1 होगा, सबसे पहले 1 था, फिर आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर
फिर टू इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, गो टू टेबल, वापस इस टेबल पे कंट्रोल आ जाएगा, फिर से प्रिंट करेगा, फिर से आई प्लस प्लस करेगा, टू से क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री इज लेस देन इक्वल टू 10, गो टू टेबल, फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे वो लूप जैसा बार बार एग्जीक्यूट होते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अपने प्रोग्राम को जंप करा सकते हैं कितने बार भी, जहां जहां हम लोग ये लेबल लिखते जाएंगे तो वहां पे जंप होते जाएगा। अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के जगह पे हम लोग लेबल लगा सकते हैं। तो इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा, पूरा का पूरा एक टेबल जो हम लोग लूप से जनरेट कर रहे थे, यहाँ पे विदाउट लूप हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं यूजिंग गो टू टेबल। राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म गो टू स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन io डॉट एच गेट सॉरी वॉइड मेन गेट ch। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को एक नंबर चाहिए होता है, तो नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे इंट नम, कॉमा देके हम लोग एक आई वेरिएबल लेंगे जिसको हम लोग वन से इनिशियलाइज कर लेते हैं। हम लोग कर लेंगे clrscr। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर दिए एंटर द नंबर हुज टेबल यू वॉन्ट टू प्रिंट। ओके, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू को एंटर करेंगे, वैल्यू एंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्कैन एफ कैन एफ हम लोग यहाँ पे कर देंगे, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे परसेंट डी और यहाँ एम परसेंट नम। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लेबल लगा लेते हैं सबसे पहले टेबल। ओके, लेबल हम लोग यहाँ लगा लिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। टेबल का जो फॉर्मेट होता है परसेंट डी मल्टीप्लाई बाय परसेंट डी, ठीक है, इक्वल टू परसेंट डी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेंगे स्लैश एन, कॉमा देके यहाँ पे हम लोग डालेंगे नम कॉमा आई कॉमा ब्रैकेट के अंदर हम लोग दे देते हैं नम मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि टेबल जब भी हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं तो हम लोग कोई भी, जैसे मान के चलो 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 मल्टीप्लाई बाई 4, 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे करके हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या रहेगा, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई की वैल्यू 10 या फिर 10 से छोटी होगी, ठीक है, ये कंडीशन चेक करेगा और कहाँ भेज देगा, लेबल पे। लेबल क्या है हमारा, टेबल, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू 10 चेक करेगा और कहाँ क्या एग्जीक्यूट करेगा, गो टू टेबल, ठीक है, यहाँ पे वापस से कंट्रोल भेज देगा। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर
फिर से टेबल पे चले जाएगा, फिर यहाँ आ गया, फिर ऐसे करते करते वो बार 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 कब तक चेक करेगा, जब तक ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो वापस से उस लेवल तक जाके वापस रिपीट करते रहेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे, सेव एस किए यहाँ पे गो टू डॉट सी। मैं इसको करता हूँ कंपाइल, दो एरर आ गया, टेबल जस्ट सेमी कॉलन लग गया, सॉरी। ठीक है, और इसके बाद फिर से कंपाइल करते हैं, जीरो एरर, और यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट। यहाँ पे हम लोग को एक नंबर एंटर करना है जिसकी जिसका भी टेबल हम लोग यहाँ प्रिंट करने वाले। तो लाइक मैं यहाँ पे 11 का टेबल प्रिंट करता हूँ, तो मैंने एंटर किया 11 और प्रेस करूँगा एंटर की, तो यहाँ पे टेबल जनरेट करके हम लोग को मिल गया है। फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं इसको, कंट्रोल प्लस F9, यहाँ पे डालता हूँ 10, तो 10 का टेबल मिल गया। फिर से एक बार रन करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ 19, तो 19 का टेबल मिल जाएगा। जब भी कोई सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो सीक्वेंस वाइज होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है इंट नम आई इक्वल टू 1, ये एग्जीक्यूट होगा, क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद स्कैन एफ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर टेबल एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये लेबल जो हम लोग लगाए हैं यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दी है हम लोग, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू है 1। ठीक है, कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, देन उसके बाद गो टू टेबल। अब टेबल क्या है कि हम लोग ने लेबल बना के रखा है, गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा, इस लेबल के पास कंट्रोल को जंप कर देगा। अब जो कंट्रोल वन बाय वन लाइन बाय लाइन आ रहा था उसको क्या कर दिए, जंप कर दिए, जंप कहाँ कर दिए, टेबल के पास जंप कर दिए। तो कंट्रोल कहाँ पे चल गया, अब इस टेबल के पास वापस से चले गया। ठीक है, आई की वैल्यू थी 1, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुकी है, आई की वैल्यू हो गई थी 2। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना कहाँ से चालू करेगा, इस टेबल के बाद से एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, गेट सी एच के पहले तक। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेगा, आई की वैल्यू 2 है, मतलब मान के चलो मैं वैल्यू डाला हूँ 11, 11 मल्टीप्लाई बाई 2, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा इक्वल टू 22। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस होगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 थी, अब वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, गो टू टेबल। ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से यहाँ पे चले जाएगा टेबल के बाद, फिर से पूरा पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, टेबल के बाद जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। प्रिंट एफ परसेंट डी मल्टीप्लाई बाई परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, नम आई और नम मल्टीप्लाई बाई आई, मतलब क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई सॉरी इक्वल टू 33। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस होगा, 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो गो टू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, गो टू वाला टेबल, यहाँ से कंट्रोल फिर वापस कहाँ चल जाएगा, इस टेबल पे चले जाएगा, फिर से प्रिंट एफ आई प्लस प्लस दोनों एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, अब आई की वैल्यू 4 से 5 हो गई है, गो टू टेबल, फिर से यहाँ पे चले गया, मतलब ये रिपीट कर रहा है बार बार, कब तक रिपीट करेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी तब तक। तो हम लोग ऐसा नहीं कि ये हम लोग यहाँ लूप बना रहे हैं, वैसा नहीं है, हम लोग कहीं पे भी इसको जंप करा सकते हैं, प्रोग्राम में कहीं पे भी हम लोग इसको जंप करा सकते हैं। जहाँ पे भी हम लोग उसका कंट्रोल लेके जाना चाहते हैं, जैसे हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, हम लोग गो टू से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब गो टू जो है हम लोग
जहाँ पे बार बार हम लोग ब्रेक यूज नहीं करना चाहते वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग इसको जंप करने के लिए ही यूज करते हैं।